नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। बाराबंकी की नगर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने 3 दिन पहले हुए अधिवक्ता कुलदीप रावत हत्याकांड का खुलासा कर दिया। बता दें कि अधिवक्ता की हत्या पत्नी के अवैध संबंधों के चलते की गई थी। क्या था पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। तलाक देने से इनकार करना पड़ा महंगा। तलाक नहीं दिया तो पत्नी ने कर दी हत्या। प्रेमी से शादी रचाने को व्याकुल थी पत्नी। पत्नी के अवैध संबंधों में चढ़ी अधिवक्ता की बलि। खुद के पति की हत्या करने वाली पत्नी के सामने ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उसने खुद के ही पति की हत्या की साजिश रचा ली। दरअसल अधिवक्ता की पत्नी ने उनसे तलाक की मांग की थी, जिससे अधिवक्ता ने इनकार कर दिया था। जिसके बाद प्रेमी से शादी करने की चाहत में आरोपी पत्नी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अधिवक्ता की हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला। मामले में पुलिस ने पत्नी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 72 घंटों के अंदर ही घटना का खुलासा कर दिया और सामने आई रूह कपा देने वाली हकीकत। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि सफदरगंज के छेदा का पुरवा के रहने वाले कुलदीप रावत की 3 दिन पहले हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कुलदीप के भाई ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। वारदात के पहले दिन ही वारदात के पीछे मृतक की पत्नी की भूमिका शक के दायरे में थी। पुलिस ने जो सबूत मिले हैं उनके आधार पर पत्नी और प्रेमी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार करके मामले का खुलासा कर दिया। थाना कोतवाली में 5 तारीख को शिवदीप रावत के एप्लीकेशन पे एक मुकदमा लिखा गया, 302 का एक निशस्त्र हत्याकांड हुआ था यहाँ पे, जिसमें गला काट करके हत्या कर दी गई थी एक वकील साथी की, कुलदीप रावत जिसका नाम था। इसमें 3 टीमें बनाई गई थी और इसमें बाकायदा सर्विलेंस के आधार पर, डिजिटल के आधार पर, मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर सभी स्तरों पर पूछताछ किया गया और पूरा प्रकरण निकल के आया कि इसमें जो मृतक है उसकी पत्नी और उसके एक जो उसका साथी है मंटू उर्फ विवेक वर्मा और एक और साथी पंकज, इन तीनों ने मिल करके इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। अवैध संबंधों में बाधक बनने के कारण इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। जो ये मृतक है कुलदीप रावत, उसका 7-8 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, उसके एक 4 वर्षीय बच्चा भी था, जिसमें 2 साल से आज़ाद नगर में एक ब्यूटी पार्लर चल रहा था, लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर के नाम से। उसी के क्रम में एक मिंटू उर्फ विवेक वर्मा, जो लाइट एंड टेंट हाउस का काम चलाता था, और उससे अवैध संबंध हो गया था। इसी क्रम में मिंटू बार बार दबाव डालता था महिला पे कि तुम हमारे साथ भाग चलो, इसको छोड़ दो और हम लोग कहीं और अपनी व्यवस्था कर लेंगे। कुलदीप रावत की शादी करीब 8 साल पहले रीता से हुई थी और दोनों का एक 4 साल का बेटा भी है। रीता बीते 2 सालों से कोतवाली नगर के आजाद नगर मोहल्ले में एक ब्यूटी पार्लर का संचालन करती हैं, जिसके चलते उनकी मुलाकात अक्सर मंटू नामक युवक से होती थी। पार्लर से संबंधित अन्य काम दिलवाता था। इसी बीच रीता से मंटू के अवैध संबंध हो गए। वहीं रीता के मोबाइल पर ज्यादा बात करने से नाराज कुलदीप ने एक बार उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। उधर मंटू के शादी के लिए दबाव बनाने पर रीता ने कुलदीप से तलाक देने को कहा था, लेकिन कुलदीप ने इससे इनकार कर दिया। हत्या की साजिश मंटू और रीता ने रची और इसमें पड़ोस के एक मोबाइल की दुकान पर काम करने वाले पंकज यादव को भी रुपयों का लालच देकर शामिल कर लिया, जिसके बाद पंकज ने कुलदीप से जमीन के सौदे का बहाना बनाकर बातचीत की और कमीशन देने की बात कहकर 4 सितंबर को उसे घटनास्थल पर बुलाया, जहां पहले से मौजूद मंटू ने गला रेत कर कुलदीप की हत्या कर दी थी। वहीं वारदात के बाद से ही मंटू ने फोन बंद कर दिया था और रात करीब 11 बजे दोबारा फोन ऑन कर रीता से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा। हम भैया घर में नहीं रहना, बच्चा कोई बोला है कहीं यहाँ मर्डर है। कहाँ नाम लड़के का? कुलदीप नाम है, उम्र है 30 ऊपर रहे, 35-36 के साल के बीच। कहाँ रहने वाली हो? छतरपुरा पड़रा के पास में, सफदरगंज थाना। ओह हाय दादा, हमारे भैया वकालत करत रहे, कचहरी में बैठत रहे।
बता दें कि वकील कुलदीप रावत हत्याकांड से नाराज कुछ अधिवक्ताओं ने देवा तिराहे पहुंचकर प्रदर्शन कर रोड जाम भी किया था, जहां सीयूसीटी ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर अधिवक्ताओं को मामले का जल्द खुलासा करने का आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया। और अब घटना के 3 दिन बाद सब बेंच के रहने वाले अधिवक्ता कुलदीप रावत की हत्या का खुलासा हो गया। बाराबंकी से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए रविंद्र पटेल की रिपोर्ट। यूं तो विपक्ष के नेताओं का सरकार के विरोध में प्रदर्शन चलता ही रहता है, पर अयोध्या से कुछ विचित्र तस्वीरें सामने आई है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता समरजीत ने सस्ते दाम पर गैस सिलेंडर बेचकर सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने जिले के मुआई ब्लॉक के बाबूपुरवा ग्राम सभा में मात्र 499 रुपए में समाजवादी घरेलू गैस सिलेंडर के नाम से गैस सिलेंडर बेचकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। सपा नेता समरजीत ने कहा है कि जब सिलेंडर 400 रुपए का था तो बीजेपी के लोग सिलेंडर की महंगाई का रोना रोते थे, और आज सिलेंडर 950 रुपए का हो जाने से गरीब जनता कराह रही है। ग्रामीण जनता चूल्हा और लकड़ी जलाकर खाना बनाने को मजबूर है, तब ऐसे में सरकार के कान पर जू भी नहीं रेंग रही। ऐसे में हमने सस्ते दामों पर समाजवादी सिलेंडर बेचकर ग्रामीणों को राहत देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव को जिताने का मन बना लिया है, और 2022 में समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और गरीबों को राहत देने का काम करेगी। यानी ये कहा जा सकता है कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां सभी दलों ने कर ली है। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाती है, ऐसे में जनता तक पहुंचने की या लुभाने की पुरजोर कोशिश ये की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सिलेंडर, जिसके ऊपर समाजवादी गैस सिलेंडर के जो पोस्टर्स हैं वो चिपकाए हुए हैं, और ये मात्र 499 रुपए में दिए जा रहे हैं, और लोगों के चेहरों पर भी खुशी देखने के लिए मिल रही है। महिलाओं के चेहरे खिल उठे हैं। जब 400 रुपए में सिलेंडर बिकता था तो यही भाजपा सड़कों पर नौटंकी की नाच करती थी। आज जब अपनी सत्ता पे आ गई तो यही 400 का सिलेंडर 950 में जनता को देकर गरीबों को लूटने का काम कर रही है। आज बरसात की वजह से, पैसे महंगाई की वजह से हमारे गरीब भाई लकड़ी कंडी पर तथा गैस चूल्हा नहीं जला पा रहे हैं। आज उसी उद्देश्य को लेकर हमने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को समाजवादी गैस सिलेंडर 499 रुपए में राहत देकर उनको, उनके परिवार को भोजन बनाने के लिए हमने सिलेंडर वितरित किया है। और हम आज यही सरकार से मांग करते हैं कि बस बहुत हो गया आपका अत्याचार, बस कुछ ही समय और बचा है। यही हमारे गरीब जनता जो आज भुखमरी की कगार पर है, 2022 के चुनाव में इस भाजपा सरकार को पूरे प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। लखीमपुर खीरी में निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर बीजेपी नेता रवि गुप्ता ने वन बीट अस्पताल के चेयरमैन सरदार बहादुर सिंह सहित समस्त हॉस्पिटल स्टाफ को सम्मानित किया। बता दें कि लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील क्षेत्र के वन बीट अस्पताल द्वारा लगातार आम जनमानस को निशुल्क स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसके चलते जनता में भी अस्पताल की काफी सराहना हो रही है। वहीं जिले के पलिया के प्रमुख व्यापारी और बीजेपी नेता रवि गुप्ता ने वन बीट अस्पताल के चेयरमैन सरदार बहादुर सिंह सहित समस्त हॉस्पिटल स्टाफ को सम्मानित कर उनका आभार प्रकट किया है। बता दें कि वन बीट अस्पताल द्वारा निशुल्क चिकित्सा सेवाओं के साथ साथ निशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी गरीबों को उपलब्ध कराई जा रही है। वन बीट अस्पताल का यह प्रयास वाकई काबिले तारीफ नजर आ रहा है। तो लखीमपुर खीरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता ने चेयरमैन और स्टाफ को सम्मानित किया है। मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है यह अस्पताल, और चारों तरफ अस्पताल की चर्चाएं जोरों पर हैं, जो गरीब जनता है वो भी काफी खुश नजर आ रही है।
लखीमपुर खीरी से मेरे सहयोगी गौरव गुप्ता मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, ये जो मुफ्त सुविधाएं दी जा रही हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं गरीबों के लिए, वाकई ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन ये जो पहल है, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई और आसपास जो अस्पताल हैं, क्या उन्हें इस अस्पताल से सीखने की जरूरत नहीं है? दरअसल मैं बता दूं, लखीमपुर खीरी के पलिया विधानसभा का भीरा में बनवीट हॉस्पिटल है और सरदार श्री बहादुर सिंह जी के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया था पलिया विधानसभा क्षेत्र के लिए, जो लगातार विगत कई वर्षों से निःशुल्क और बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं पलिया विधानसभा क्षेत्र में उपलब्ध करा रहे हैं, जो वाकई काबिले तारीफ दिखाई दे रहा है और लोग इसकी जमकर सराहना भी कर रहे हैं। बिल्कुल गौरव, और वाकई जो यहाँ पर स्टाफ है, जो अस्पताल के डॉक्टर्स हैं और जो नर्स हैं, उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है वाकई इस कोरोना काल में। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार लगातार बढ़ रहा है, जिस तरह से अस्पताल आगे कदम बढ़ा रहा है, गरीबों को मुफ्त सेवाएं दे रहा है, ये वाकई काबिले तारीफ है। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लखीमपुर खीरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी नेता ने अस्पताल के चेयरमैन और स्टाफ को यहाँ पर सराहना की है उनकी, और कहा है कि जिस तरह से आपका अस्पताल काम कर रहा है गरीबों के लिए, अगर सभी अस्पताल इस तरह से गरीबों के लिए मुफ्त में सेवाएं देंगे या फिर गरीबों के हित में काम करेंगे, तो कोई भी गरीब जो है मायूस नजर नहीं आएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू आज सीतापुर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि अजय कुमार लल्लू लखीमपुर खीरी जा रहे थे, इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने सपा और बसपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और मायावती मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मायावती को जनता ने चार बार मौका दिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बाद अपनी जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि 32 साल बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो सीतापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अजय कुमार लल्लू का यहाँ भव्य स्वागत किया गया, कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े रहे। ऐसे में अजय कुमार लल्लू सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि सपा और बसपा ने प्रदेश में कुछ नहीं किया है, प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन 32 साल बाद आखिरकार कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। देखिए, अगर कांग्रेस की हकीकत देखी जाए तो फिलहाल सूबे में कांग्रेस का सूपड़ा साफ है, और इसके अलावा कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह से अजय कुमार लल्लू बातें कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस ये मान चुकी है कि उत्तर प्रदेश में वाकई उसे बहुत काम करने की जरूरत है, वो भी जमीनी स्तर पर। के बहन जी और अखिलेश यादव जी दोनों लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। गांव में, खेत में, खलियान में किसानों की आवाज, नौजवानों की आवाज, महिला सुरक्षा की आवाज, कानून व्यवस्था की आवाज, और खासकर कोरोना काल के दौरान जो लाखों लोग जो सरकार की नाकामी के नाते काल के गाल में समा गए, इन सभी मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है, आवाज़ उठाई है, बुलंद किया है। लाठी का है, कार्यकर्ता जेल गए हैं। 32 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, सबको मौका उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, यह तय है। इस बार कांग्रेस की बारी है, परिवर्तन ही संकल्प है, कांग्रेस ही विकल्प है। कृष्ण की नगरी वृंदावन में अब तक जहां आपको बांके बिहारी और उनकी लीलाओं के दर्शन हुआ करते थे, तो वहीं अब यहां आने वाले भक्तों को मां वैष्णो धाम और चार धाम के दर्शन भी होने वाले हैं। जी हां, जिसमें भक्त भगवान महादेव धाम, राधा कृष्ण धाम और शनिदेव धाम के दर्शन कर पाएंगे। इसके लिए जेके ट्रस्ट ने अपने मैनेजिंग ट्रस्टी जेसी चौधरी की अध्यक्षता में आज वृंदावन में 7.5 एकड़ भूमि पर चार धाम की तर्ज पर बनने वाले मंदिरों का अनावरण कर दिया है, जहां पर ट्रस्टी ने आगामी भव्य मंदिर की जानकारी देते हुए बताया कि वृंदावन में मां वैष्णो धाम के साथ ही अब दुनिया भर के आने वाले भक्तों को अगले 2 सालों में चार धाम के दर्शन करने का लाभ मिलेगा। ये मंदिर अगले 2 से 2.5 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। तो मथुरा में अब आपको सिर्फ बांके बिहारी ही नहीं और राधा कृष्ण ही नहीं, बल्कि मां वैष्णो देवी और चार धाम के दर्शन भी होते हुए नजर आएंगे। आज जो ट्रस्टी हैं, उन्होंने एक बैठक की है, बैठक में पूरा प्रेजेंटेशन जो है वो दिखाया गया है और प्रेजेंटेशन पर फाइनल मुहर भी लग गई है। आने वाले 2 से 2.5 सालों में आप चार धाम के दर्शन यहाँ कर सकेंगे।
ये चार धाम मंदिर 2 साल के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। इसमें एक माँ वैष्णो देवी धाम है जो पहले ही बना हुआ है, और महादेव धाम बनाए जाएंगे, राधे कृष्ण धाम बनाया जाएगा और शनि धाम बनाया जाएगा। तो ये 2 सालों उम्मीद है, और इसके प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 90-100 करोड़ के आसपास होगी। वो तो मन में हमारे क्या है, मन में हमारे कुछ नहीं आया, ये सब ईश्वर अपने आप ही मन में डालते हैं, वो ही करते हैं। तो मैं तो समझता हूँ मेरे लिए भी एक नई चीज़ है, जैसे आपके लिए है। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये वो ही जाने, वही प्रेरणा देता है। मैं तो सिर्फ एक एक्शन लेने में लगा हूँ, जो ऊपर से आदेश आते हैं इम्प्लीमेंट करने में लगा हूँ, जैसे जैसे करवाते हैं करते जा रहा हूँ। क्योंकि डेस्टिनी सब चीज़ों की फिक्स्ड है, आदमी की प्लानिंग से होता कुछ नहीं है। आपने भी 4 दिन पहले नहीं सोचा होगा कि यहाँ पर ये फंक्शन होगा, हो ही गया। तो सारी चीज़ें अनसर्टेन हैं, सर्टेन सिर्फ वही है जो सामने दिखाई देता है। तो मैं समझता हूँ कि जो जब जब भी कोई मैंने लाइफ के अंदर इतने सालों में मेरी करीब 50 साल मुझे एजुकेशन में भी हो गए, तो मैंने प्लानिंग नहीं की, प्लानिंग वही करता और मुझे इम्प्लीमेंट करने के लिए देता है, चलो इम्प्लीमेंट करो। वहीं अमेठी से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां जिला अस्पताल में इलाज कराने गए एक मजदूर को जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने अस्पताल के बाहर से 1400 रुपए की दवा लिख दी, जिसके चलते अब पैसे के अभाव में पीड़ित इलाज नहीं कर पा रहा। वहीं आरोप है कि चिकित्सक मेडिकल स्टोर से कमीशन के चलते अस्पताल से दवा न देकर मरीजों को बाहर से दवा लेने को कहते हैं। जिले के गौरीगंज जिला अस्पताल का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, वैसे उत्तर प्रदेश के तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से लचर हालत में हैं, लेकिन रोजाना ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जो वाकई ये कहने पर मजबूर कर देती हैं कि भले ही तमाम दावे किए जा रहे हों कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से की जा रही हैं, लेकिन गोलमाल हर अस्पताल में देखने के लिए मिल रहा है। अमेठी से ये ताजा मामला सामने आया, जहां पर अस्पताल तो सरकारी है लेकिन दवाइयां जो हैं वो बाहर से लिखी गई हैं। जो पीड़ित है उसका कहना है कि 1400 रुपए की दवाइयां लिखी हैं और वो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बाहर से दवा ले सके। लेकिन सवाल ये है कि जब सरकारी अस्पतालों में डिस्पेंसरी होती है, वहां से दवाई मिलती है, तो फिर बाहर से दवाई क्यों ले जाती हैं? आरोप तो ये तक लगाए जा रहे हैं पीड़ित द्वारा कि बाहर से जो जिन मेडिकल स्टोर से दवा लिखते हैं वहां से कमीशन अस्पतालों में जाता है और डॉक्टर्स उस कमीशन को लेते हैं। अमेठी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सरकारी अस्पताल में दवाइयां बाहर से लिखवाई जा रही हैं। ताजा मामले सामने आया है जहां पर एक मजदूर अस्पताल में इलाज कराने के लिए गया था और उसे बाहर से 1400 रुपए की दवाइयां लिख दी गई, जिसके बाद वो अस्पताल के गेट पर ही बैठ गया और ये आरोप लगा रहा था कि ये सरकारी अस्पताल है लेकिन यहाँ के डिस्पेंसरी से दवाई ना देकर बाहर से दवाइयां लिख दी जाती हैं जो कि काफी महंगी पड़ती हैं। ऐसे में जो कमीशन जाता है वो डॉक्टरों तक पहुंचता है। तो ऐसी तस्वीरें पहली बार उत्तर प्रदेश से सामने नहीं आई है, इससे पहले भी तमाम जिलों से ऐसी तस्वीर सामने आ चुकी हैं। और ताजा मामला अमेठी से सामने आया। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी रणविजय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अमेठी से। रणविजय, ऐसे तमाम मामले सामने आते हैं लेकिन अगर अमेठी की मैं बात करूं तो ये मामला बहुत अजीब है। जब अस्पताल सरकारी है और वहां पर सरकारी डिस्पेंसरी भी है तो वहां की दवाई ना लिखकर बाहर के मेडिकल स्टोर से दवाइयां क्यों लिखी जा रही हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है अस्पताल की? जी मैम, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि ये पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं जो है अमेठी जिला चिकित्सालय का देखा गया है। ऐसे में जो है माना जाता है कि वहां पर मौजूद कुछ डॉक्टरों का जिनके रिलेटिव जो है बाहर मेडिकल स्टोर चला रहे हैं गेट के जस्ट बाहर, ये कई बार ऐसा सुनने में आया है। तो कहीं ना कहीं जो देखा जाता है कि स्वास्थ्य विभाग जो है अपनी लाचारी अपने आप में बयां करती देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो आपने क्या किसी अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की इस पूरे मामले में? जी, अधिकारियों से बात के दौरान अधिकारियों ने सीधे इस प्रकरण से पूरे प्रकरण से पल्ला झाड़ा है। लोगों का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं है। तो एक आदमी जो कि पूरी तरह से घायल है, चोटिल है, वो हॉस्पिटल के गेट पर बैठ के ऐसा क्यों बोल रहा है? कहीं ना कहीं से ये चीजें संवेदनाओं के घेरे में लाके खड़ी करती हैं
चिकित्सक विभाग को अमेठी जनपद के जो अस्पताल की डिस्पेंसरी है, क्या आपने वहां जाके बातचीत करने की कोशिश की गई कि एक दिन में कितनी दवाएं यहां से मरीजों को दी जाती हैं और बाहर जो अस्पताल की डिस्पेंसरी है वहां कितनी दवाएं मरीजों को लिखी जाती है इस अस्पताल के लिए? जी मैम, अधिकांश जो दवाइयाँ जो जिनको उपलब्ध करा दी जाती है वही वो जो है जो महकमे के अंदर मौजूद है चिकित्सक विभाग में, और क्या अगर पहले भी मिली है तो कार्रवाई हुई है? नहीं जी, नहीं जी, अभी तक ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि ऐसे मामलों में कई बार सीएमओ जी से भी बात किया गया है, तो उनका भी कहना ये रहता है कि हमारे विभाग में ऐसा बिल्कुल रणविजय, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अस्पताल सरकारी है लेकिन दवाइयां प्राइवेट बताई जा रही हैं क्योंकि बाहर के मेडिकल स्टोर से दवाइयां गरीबों के लिए लिखी जा रही हैं। ऐसे में गरीब परेशान हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब बार बार ऐसा हो रहा है तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? जब अधिकारियों से बात की जाती है अस्पताल के, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सरासर झूठ है, यानी कि पल्ला झाड़ते हुए यहाँ अधिकारी नजर आते हैं। वहीं आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक साल से लूट की वारदात में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि एक साल पहले जिले के थाना मटौला क्षेत्र में हुई 35 लाख की लूट की घटना के मामले में आरोपी वांछित था और लंबे समय से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि आरोपी पहले भी लूट के मामले में जेल जा चुका है। तो आगरा का यह पूरा मामला जहां पर लूट की घटना में वांछित चल रहा आरोपी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। एक साल पहले हुई लूट के मामले में आरोपी वांछित था और काफी दिनों से इसकी तलाश की जा रही थी। आखिरकार इस महाअभियान के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस को, या ये कहूं कि आगरा पुलिस को, बड़ी सफलता हाथ लगी है। ग्रेटर नोएडा के वेस्ट इलाके में खुलेआम नकली सीमेंट बेचने का गोरख धंधा किया जा रहा है, जहां दुकानदार ब्रांडेड कंपनियों की बोरियों में नकली सीमेंट भरकर बेच रहे हैं। मामला बिसरख थाना क्षेत्र के मिलखलच्छी गांव के एक दुकान का है, जहां खुलेआम नकली सीमेंट बेचा जा रहा है। दुकानदार नकली सीमेंट बेचकर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही मामला कुछ दिन पहले भी सामने आया था, जहां पीड़ित ने दुकान से सीमेंट और अन्य बिल्डिंग मटेरियल का सामान खरीदा, पर दुकानदार ने ब्रांडेड सीमेंट के कट्टों में भरकर उसे नकली सीमेंट बेच दिया। पीड़ित को नकली सीमेंट की जानकारी तब हुई जब उसने अपने घर का लेंटर डलवाया और लेंटर खुलने के बाद कुछ ही दिन के बाद छत टूटने लगी। वहीं जब पीड़ित दुकानदार के पास पहुंचा तो दुकानदार ने उसे धमकाकर वहां से भगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की शिकायत की। फिलहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है। तो ग्रेटर नोएडा का ही पूरा मामला है, जहां पर ब्रांडेड बोरियों में भरकर नकली सीमेंट बेचा जा रहा है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बड़े हादसे यहां हो सकते हैं, और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसी तमाम तस्वीरें हमारे सामने आ चुकी है, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, चाहे वो नोएडा हो या गाजियाबाद, या मैं शाहबेरी का जिक्र कर लूं। शाहबेरी में ऐसा होता था, इसी वजह से तमाम इमारतें अवैध तरीके से बनवाई जा रही थी और तमाम इमारतें ढह भी रही थी, जिसकी वजह से बड़े हादसे हुए हैं। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक अनूप सांडा के पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा हुआ, और यह हंगामा किसी और ने नहीं बल्कि अपने आप को पूर्व विधायक अनूप सांडा की दूसरी पत्नी कहने वाली समरीन खान ने किया है। बता दें कि जिस वक्त समरीन खान अनूप सांडा के पेट्रोल पंप पर हंगामा कर रही थी, उस दौरान वहां मौजूदा महिलाओं ने समरीन की नोकझोंक शुरू हो गई और फिर जमकर मारपीट भी हुई। बता दें कि सुल्तानपुर से सपा के विधायक रहे अनूप सांडा की समरीन खान से काफी नजदीकियां रह चुकी हैं। वहीं बात करें समरीन की, जो कि अपने आप को पूर्व विधायक की पत्नी होने का दावा भी करती हैं, लेकिन किसी ने इनको बचाने की कोशिश तक नहीं की। हंगामा होता रहा, सभी मुख दर्शक बने देखते रहे, पंप कर्मी खड़े तमाशा देखते रहे, और ना ही पूर्व विधायक आए और ना उनके कर्मचारी। वहीं पूर्व विधायक अनूप सांडा ने कहा कि 10 साल से मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिशें लगातार चल रही हैं। इसके साथ ही पूर्व विधायक ने कथित प्रेमिका समरीन की पेट्रोल पंप पर हुई पिटाई के मामले में पल्ला झाड़ लिया। वहीं समरीन का कहना है कि मैं विधायक सांडा की दूसरी पत्नी हूं। मामले में नगर कोतवाल संदीप राय का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज को संज्ञान में ले लिया गया है और जल्द ही मामले में कार्रवाई भी की जाएगी।
आगरा में फॉर्च्यून कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने एक नकली तेल रिफाइंड कंपनी का खुलासा कर दिया। ये कंपनी सलोनी और फॉर्च्यून का लेबल लगाकर रिफाइंड ऑयल का अवैध कारोबार करती थी। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मामले में पुलिस ने फॉर्च्यून कंपनी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। वहीं मौके से पुलिस ने 25 रिफाइंड के टीन, 5 तेल के और 99 खाली टीन भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।